आ रहा है ना? देख लो, नहीं तो ये आपके पास कंडीशन दे रखी है e की पावर x टाइम्स x प्लस वन इक्वल्स टू वन, एंड नाउ यू हैव टू प्रूव दैट। ये आपके पास प्रूफ करना है कि जो y2 है ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब y2 है, y2 इज y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ऐसे लिख लीजिए या y1 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। हम ये कहें या ये कहें बात बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। आप सिंपली डिफ्रेंशिएट करते जाइए, रिजल्ट अपने आप खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। एक तरह से प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपके पास आंसर गिवेन होता है, ठीक है, पेपर में। नाउ तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, ई की पावर वाई एक फंक्शन है, एक्स प्लस वन दूसरा फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई, सॉरी फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ई की पावर वाई, और आर एच एस में कॉन्स्टेंट है वन, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ वन आएगा, तो ये सिर्फ e की पावर y हो गया इंटू वन प्लस x प्लस वन टाइम्स। अब देखिए e की पावर y ये x का फंक्शन तो है नहीं जो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो हमें d बाई डी वाई और dy वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें d बाई डी वाई e की पावर y और dy वाई बाई डी एक्स, मतलब e की पावर y सिर्फ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। दैट मीन्स, और ये कॉमन मिस्टेक होती है आपकी जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो, ठीक है, तो समझ नहीं आता कहाँ गलत हो गया, e की पावर y एंड dy वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, है ना। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम हटा ही दें, है ना, सिस्टम से, चूँकि हमें फर्स्ट इक्वेशन से परमिशन है इसे हम वन लिखने की, तो इसे हम वन लिख देते हैं, ठीक है। तो आप वर्क करिए, थोड़ा स्मार्टली वर्क करिए, तो दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। नाउ दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब डिफ्रेंशिएट अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर y प्लस dy वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो, ठीक है। तो जीरो तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, जीरो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर y, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, और इसी को तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं d2y वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपका हो गया d2y वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या y2 कह लीजिए, है ना, जो भी कहना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ये x का फंक्शन नहीं है, y का फंक्शन है ना, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हो, उन चीज़ों को आपको संभल के रहना है। तो इसको d बाई डी वाई और dy वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, तो क्या करें हम लोग, d बाई डी वाई e की पावर y और फिर dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, और e की पावर y का डिफ्रेंशिएशन तो e की पावर y ही होगा, और ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स दैट इज प्लस, ये जीरो था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टाइम्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, उस ये टर्म हम इस साइड में ले आए हैं ना। अब देखिए ये फालतू आ रहा है, ई की पावर वाई मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे तो प्रूफ कर क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हटाने की कोशिश करिए। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर टू से आपको हेल्प मिल रही है कि e की पावर y को हम माइनस क्या लिख सकते हैं, dy वाई बाई डी एक्स, है ना, जब इधर ले आओगे तो हम, या यूं कहें कि e की पावर माइनस y इधर ले आए, है ना, तो e की पावर माइनस y को हम dy वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए, तो दैट कुड बी रिटर्न एज ए dy वाई बाई डी एक्स इट सेल्फ, तो ये जो पार्ट आपका है ये खुद dy वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, dy वाई बाई डी एक्स इंटू dy वाई बाई डी एक्स,
और किसी भी चीज का दो बार मल्टीप्लीकेशन होता है तो स्क्वायर हो जाता है, इट कुड बी रिटन एज ए डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था।